राहुल गांधी ने मोदी सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए, कहा सड़कों पर तड़प रहे किसान और मजदूरों को कर्ज की नहीं पैसों की जरूरत। राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील, मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालने की जरूरत, आर्थिक पैकेज के बारे में दोबारा सोचे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने कहा रेटिंग के बारे में न सोचें प्रधानमंत्री, हमारी रेटिंग हिंदुस्तान के मजदूर और किसान, पैसा न देने के कारण रेटिंग होगी कम। राहुल गांधी ने सड़क पर चल रहे प्रवासी मजदूरों को बताया हिंदुस्तान का भविष्य, मजदूरों किसानों को पैसे की जरूरत। राहुल गांधी ने विदेशों को देखते हुए फैसला न लेने की नसीहत दी, हिंदुस्तान के दिल को देखते हुए फैसला लें प्रधानमंत्री। आज शाम 5 बजे होगा सीबीएसई परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान, एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। औरैया में हादसे के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन, हादसे वाली जगह के पास फतेहपुर सीकरी और मथुरा के 2 थानाध्यक्ष सस्पेंड। आईजी आगरा जोन और मथुरा आगरा के एसएसपी समेत कई अधिकारियों से मांगी गई सफाई, दोनों ट्रक मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। यूपी के औरैया में हुआ था दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 24 मजदूरों की मौत। औरैया के महोली हाईवे पर हुआ हादसा, 36 से ज्यादा प्रवासी मजदूर घायल, 15 बुरी तरह से जख्मी। घायलों में कई मजदूरों की हालत गंभीर, दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे सभी प्रवासी मजदूर। औरैया सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा सरकार राहत के काम में तेजी से जुटी, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिया औरैया हादसे पर दुख जताया, घायलों के मुफ्त इलाज का दिया आदेश, घटना की मांगी रिपोर्ट, दिए जांच के आदेश। सीएम योगी ने औरैया हादसे पर अधिकारियों की स्पेशल टीम 11 के साथ की बैठक, पीड़ितों को जल्द राहत और बचाव का दिया निर्देश, कहा पीड़ितों की करेंगे हर संभव मदद। औरैया में मजदूरों की मौत पर सियासत तेज, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बोले ये हादसा नहीं हत्या है। औरैया में हादसे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा सीएम के निर्देश का पालन नहीं कर रहे अधिकारी, लापरवाही की वजह से हादसे, मृतकों के परिवार वालों के लिए जताई संवेदना। मायावती ने सीएम योगी से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत, हादसे में 19 से ज्यादा मजदूर घायल, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, छतरपुर कानपुर रोड पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। छतरपुर में सड़क हादसे के बाद सामने आई दर्दनाक तस्वीर, मां के पास बैठकर रोते हुए दिखाई दे रहे बच्चे। हैदराबाद में एआईएमआईएम के विधायक ने तोड़ा लॉकडाउन, अब्दुल्ला बलाला ने पुलिस को फ्लाईओवर से बैरिकेड हटाने पर किया मजबूर। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा ओवैसी सीधा बनते हैं लेकिन उनके विधायक दादागिरी कर रहे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, हाईवे पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, गाड़ियों की दिखी कतार, सड़क पर लोगों का पैदल मार्च। राजस्थान के भरतपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, बिना आदेश के खुली चाट पकौड़े की दुकान, मास्क और ग्लव्स पहने बिना सामान बेच रहे दुकानदार। भिंड में कोरोना की जांच कराने को कहने को लेकर 2 समुदायों के लोगों में खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। लॉकडाउन के बीच गुजरात के जूनागढ़ से सामने आई बेबसी की तस्वीर, भूख से बेहाल लोग बंद रेस्टोरेंट में ताला तोड़कर घुसे, खाना पकाकर खाया। चोरों ने सिर्फ खाना पकाकर खाया और चले गए, रेस्टोरेंट में नहीं की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, साइकिल पर घर जाते दिखाई दिए मजदूर। कानपुर से पलायन किया दर्दनाक तस्वीर, चारपाई का स्ट्रेचर बना, घायल बेटे के साथ सफर तय करते नजर आए प्रवासी मजदूर। दूसरे राज्यों से बिहार यूपी जाने के लिए जान जोखिम में डालकर पलायन कर रहे मजदूर, हरियाणा के करनाल में बच्चों के साथ यमुना पार करते दिखे मजदूर। लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु के उड़ुकुडू गांव में खुली शराब की दुकानें, शराब लेने के लिए लगी लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने में जुटी पुलिस। 45 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद घर लौटे जमाती, दिल्ली के मयूर विहार से जमातियों को मिली घर जाने की इजाजत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार, 24 घंटे में कोरोना के 3,970 नए केस, अब तक वायरस की चपेट में 85,940 लोग। देश में 24 घंटे में 103 लोगों की मौत, अब तक 2,752 लोगों की मौत, 30,153 रिकवर। आईसीएमआर के आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 20,00,000 टेस्ट, सिर्फ 4% मामलों में ही कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में 24 घंटे में 425 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 8 और लोगों की मौत, राजधानी में संक्रमितों की संख्या 8,895। डीएमआरसी और डीटीसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा एक्शन प्लान, कम यात्रियों के साथ पब्लिक बस मेट्रो चलाना चाहती है दिल्ली सरकार। दिल्ली में 18 मई से चुनिंदा रूट पर मेट्रो चलाने का प्रस्ताव, पैसेंजर्स की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, कंटेनमेंट जोन वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी मेट्रो।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा जब 20 दिन में केस डबल होंगे तब सुधरेंगे हालात, अभी दिल्ली में डबलिंग रेट करीब 12 दिन। दिल्ली के जामिया नगर में एसएचओ कोरोना पॉजिटिव, लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ भी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस, देशभर में कोरोना की चपेट में सीआरपीएफ के 254 जवान। आईटीबीपी और बीएसएफ के 20 जवान शुक्रवार को हुए रिकवर, पैरामिलिट्री के अब तक 848 जवान कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ में कोरोना के 11 नए मामले, 13 जवान अस्पताल से डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में एक दिन में 1576 नए केस, कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर 29,100 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 49 लोगों की मौत, राज्य में अब तक 1068 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का अटैक, 24 घंटे में 78 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, अब तक राज्य में 1140 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। मुंबई में कोरोना संक्रमण से एक और पुलिसकर्मी की मौत, 12 घंटे के अंदर 2 पुलिस वालों की जान गई, अब तक 11 पुलिस वालों की मौत। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा, कोरोना से 34 लोगों की मौत, अब तक कोरोना से 655 लोगों की जान गई। पुणे में 194 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, एक दिन में 6 मौत, जिले में अब तक 3,426 कोरोना केस। नागपुर में कोरोना के 14 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 339 पहुंची, 4 की मौत। महाराष्ट्र के सांगली में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया, अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी। गुजरात में 24 घंटे में 340 नए पॉजिटिव केस, कोरोना ग्राफ 9,932 पर पहुंचा, अब तक 606 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में भीड़भाड़ वाले इलाकों में वैन से होगी स्क्रीनिंग, मेयर ने 40 मेडिकल वैन रवाना की। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 2 मौत, कोरोना के 169 नए केस, अब तक 4,535 लोग संक्रमित। इंदौर में शुक्रवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत, अब तक 98 की मौत, जिले में कोरोना के 61 नए केस, संक्रमितों की संख्या 2,099। राजस्थान में कोरोना के 91 नए केस, वायरस से संक्रमितों की संख्या 4,838 हुई, राज्य में अब तक 125 लोगों की मौत। जयपुर की सेंट्रल जेल में 9 और कैदियों के साथ जेल अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित कैदियों को दौसा जेल भेजने की तैयारी, जेल में अब तक 48 कैदी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। यूपी में कोरोना के 155 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 4,057 हुई। यूपी में 5 और कोरोना मरीजों की मौत, राज्य में अब तक कोरोना ने ली 95 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना केस में इजाफा, राज्य में मरीजों की तादाद 76 हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 191 मरीज, अब तक 3 लोगों की मौत, 40 पेशेंट रिकवर। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले, राज्य में कोरोना का आंकड़ा 1010 के पार पहुंचा। बिहार में अब तक 32 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों में से बीएमपी के 22 जवान भी शामिल। बिहार में अब तक 449 प्रवासी मजदूर कोरोना पीड़ित, दिल्ली से बिहार लौटे 122 लोगों में वायरस की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 10 और मौत, राज्य में 84 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 2,461 हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 69 नए केस, कुल आंकड़ा 1,056 हुआ, अब तक 36 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 102 नए केस, राज्य में पॉजिटिव केस बढ़कर 2,307 हुए। गोवा में कोरोना के 8 नए केस, राज्य सरकार ने गोवा मेडिकल कॉलेज में टेस्ट की सुविधा बढ़ाई। मिजोरम ने 17 मई से पहले ही बढ़ाया लॉकडाउन, अब 31 मई तक लॉकडाउन में रहना होगा। दुनिया भर में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए केस, मरीजों की संख्या 45,93,000 के पार, कोरोना से 3,06,000 की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 88,000 की मौत, 24 घंटे में कोरोना के 13,500 से ज्यादा नए केस, संक्रमित मरीज 14,71,000 के पार। स्पेन में कोरोना के 1700 से ज्यादा नए केस, मरीजों की संख्या 2,74,000 के पार, 27,500 की मौत। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,600 मामले, संक्रमितों की संख्या 2,62,000 के पार, 2,500 की मौत। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,36,000 के पार पहुंचा, अब तक करीब 34,000 मरीजों की मौत। इसराइल में कोरोना के 16,500 से ज्यादा केस, अब तक 266 लोगों की मौत। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे, ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, महामारी के बीच अमेरिका भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा। चीन को चौतरफा घेरने में जुटा अमेरिका, ट्रंप बोले चीन से निवेश वापस लेंगे। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुद्दल और कांडी में सड़क निर्माण का काम शुरू, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 500 मजदूरों को काम पर लगाया। सड़क निर्माण काम पर आए मजदूरों की पहले की गई स्क्रीनिंग, हाथों में भी साबुन से धुलवाया गया, मास्क पहनकर काम कर रहे मजदूर। वंदे भारत अभियान के तहत 121 और भारतीयों को लाया गया हैदराबाद, अमेरिका के न्यूयॉर्क में फंसे थे भारतीय। वंदे भारत मिशन के तहत 333 भारतीय चेन्नई पहुंचे, लंदन से लेकर आई एयर इंडिया की फ्लाइट।
पंजाब में एयरपोर्ट्स को किया जा रहा तैयार, अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। ट्रॉली बैग पर बच्चों को ले जाने की खबर का एनएचआरसी सख्त, पंजाब सरकार, यूपी सरकार और आगरा के डीएम को नोटिस भेजा। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे मजदूरों को रोकने की अपील। अब तक 11 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया, मजदूरों के लिए बुलाई गई 932 ट्रेनें। दिल्ली से यात्रियों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर पहुंची, स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग के बाद लगाया गया क्वारंटीन का स्टैंप। दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में 2,34,000 से ज्यादा टिकट बुक, अलग अलग राज्यों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन। 40 स्पेशल ट्रेनें मजदूरों को लेकर पहुंचेगी बिहार, 40,000 प्रवासी मजदूर लौटेंगे अपने घर। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान, ट्वीट कर कहा, हर दिन रेलवे 300 स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार, रोजाना 4 लाख लोगों को भेजा जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर किया पलटवार, ज्यादा ट्रेनों को इजाजत न देने के आरोप पर दिया जवाब, कहा हर बात पर राजनीति करना बीजेपी की आदत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को टीएमसी ने नसीहत दी, मोदी सरकार की तारीफ पर कहा, बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ें। कोरोना महामारी ने उत्तर प्रदेश में एनपीआर पर लगाया ब्रेक, अगले आदेश तक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम रुका गया। तमिलनाडु सरकार का लॉकडाउन पर फैसला, 18 मई से सभी सरकारी विभागों में आधे कर्मचारियों से शुरू होगा काम। कर्नाटक सरकार ने किया 512 करोड़ के तीसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान, किसानों और आशा वर्कर्स को मिलेगी राहत। देहरादून में फूलों के कारोबार पर लॉकडाउन की मार, देखभाल नहीं होने की वजह से नर्सरी में 80% फूल बर्बाद। लॉकडाउन में डेयरी फार्म्स की मुश्किलें बढ़ी, गाय भैंसों की देखभाल के लिए लोगों की कमी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस को आई मानवता भरी तस्वीर, सूरजपुर और नोएडा एक्सप्रेसवे पर जरूरतमंदों को खाना बांटा। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों और गरीबों की मदद के लिए आगे आया एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन ने बांटे 5,000 फूड पैकेट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के इलाकों में बांटे गए फूड पैकेट्स। एनडीआरएफ ने स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया। लॉकडाउन के बीच पंचकुला में भूखों की मदद को आगे आया मनसा देवी मंदिर प्रशासन, 3,000 लोगों के खाने के लिए बांटे गए फूड पैकेट।